गोटड़ा गांव में पुलिस चौकी के सामने 6 दुकानों के टूटे ताले, हजारों रुपए का सामान हुआ चोरी। तिजारा के गोटड़ा गांव में गत रात्रि पुलिस चौकी के सामने और बगल में करीब 6 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान चुराकर रफू चक्कर हो गए। बता दें कि गोटड़ा गांव में करीब 2 साल से किशनगढ़ कोटक कासिम मार्ग पर पुलिस चौकी गोटड़ा बस स्टैंड पर बनी हुई है, लेकिन चौकी का कोई भी फायदा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। कुछ दिन पहले भी गांव में चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसका अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी सुराग नहीं लगा। ग्रामीणों द्वारा पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद भी चौकी पर जाब्ते की भारी कमी है। ग्रामीणों ने बताया कि चौकी इंचार्ज लालचंद कांस्टेबल रात्रि में ड्यूटी पर आते हैं, साथ ही राज वीरेंद्र बेल्ट नंबर 381 रात्रि में ड्यूटी पर मौजूद होने के बावजूद ये घटना घटित हुई। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है एवं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द ही चोरों को पकड़कर सामान जब्त करने की मांग की। दुकानों के ताले टूटने वाले दुकानदारों के नाम है पलवन पुत्र प्रकाश चंद्र, किराना स्टोर सोनू पुत्र सुभाष सेन हेयर सलून, देवेंद्र पुत्र राम सिंह इन्वर्टर बैटरी वाले, हरिपुत्र मंगतू राम किराना स्टोर, बिसंबर दयाल सिंह नाई की दुकान, संदीप पुत्र बाबूलाल यादव इन्वर्टर बैटरी। इन सभी दुकानों में चोरी की घटनाएं घटित हुई और हजारों रुपए के सामान चोरी हुए। भिवाड़ी से मुकेश सिंह की रिपोर्ट।